यू, प्लीज बैठ जाइए, इतना मत खड़े हो, थैंक यू सो मच इतनी इज्जत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीष पॉल है और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे आके, थैंक यू सर इंट्रोडक्शन के लिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि आज मैं साइकिल पे क्यों आया, ये साइकिल है बीइंग ह्यूमन की। अब आप सोच रहे होंगे साइकिल पे एंट्री, ग्रैंड एंट्री, मैं बताता हूँ, ये साइकिल पे एंट्री के कारण ही आज मैं आईफा होस्ट करने जा रहा हूँ। ये साइकिल पे मैंने कम से कम नहीं तो 2000 चक्कर काटे हैं भाईजान के घर के बाहर। जी हाँ, उन्होंने मुझे इतनी बार घूमते हुए देखा, उन्होंने कहा इधर आओ शाबाश, मैंने कहा थैंक यू सर, कहते नहीं मैं शाबाश को कॉल करता हूँ वो तुम्हें लेगा। तो मेरे को बड़ी खुशी, मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, इसीलिए फाइनली मुझे मौका मिल रहा है आईफा 2022 होस्ट करने का विद द वन एंड ओनली सलमान खान सर और रितेश देशमुख। लेकिन रितेश आज आ नहीं पाए, प्लीज रितेश को प्लीज लेके आए यार, रितेश को इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर माय को होस्ट रितेश देशमुख, प्लीज रितेश आइए। कहां रितेश, रितेश कहां गए? अरे अरे सॉरी, इतना शांत है मुझे दिखे ही नहीं। कैसे रितेश आप? ये रितेश एक्चुअली इनकी हाइट इतनी नहीं है, ये फिलहाल कल रात बाथ टब में ज्यादा देर रह गए इसलिए सिकुड़ के थोड़े से छोटे हो गए हैं, बट ही इज क्वाइट टॉल। रितेश आर यू एक्साइटेड? वाईफाई के थ्रू कह रहे हैं यस आई एम एक्साइटेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर रितेश देशमुख। आज मुझे पहली बार बड़ी खुशी है ये जान के कि मैं ये हंसते हंसते गिरे, आपको क्या लग रहा है आईफा में यही होने वाले, लोग हंसते हंसते गिरने वाले। सो उन्होंने एग्जांपल दिया, हाउ इन्वॉल्वड आर यू मैन, आई लव यू, थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार तालियां रितेश, थैंक यू सो मच रितेश, या थैंक्स। हाँ सर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आज मुझे पहली बार बड़ी खुशी है कि मैं ऑस्कर्स होस्ट नहीं कर रहा हूँ। या मैं आईफा में ही बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन यार आईफा के लिए ऑब्वियसली हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं, इट्स गोना बी इन अबू धाबी। एंड यू नो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं, सब लोग आके परफॉर्म करने वाले हैं। और एक जो सदस्य है इनको मैं खास तौर पर आज स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लड़का कमाल है, परफॉर्म करता है स्टेज पर, आग लग जाती है, जलजला है, एनर्जी का पैकेट है, पावर हाउस है। और ये कौन है मैं बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा, प्लीज हैव अ लुक लेडीज एंड जेंटलमैन, वरुण धवन। वरुण वरुण धवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, यार हाउ एक्साइटेड आर यू आईफा 2022 अबू धाबी पैंडेमिक के बाद पहली बार हम लोग निकल रहे हैं, इतने बड़े अवार्ड नाइट के लिए, क्या तैयारी हो रही है? सुपर एक्साइटेड, स्पेशली बिकॉज अबू धाबी हैज बीन होम ऑफ फाइट आइलैंड फॉर द यूएफसी, द फॉर्मूला वन, एंड नाउ होम फॉर द 22nd आईफल्स, लाइक सवाज सेज, सो सुपर एक्साइटेड, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और ज्यादा बोलूंगा नहीं, वरना भाई गुस्सा हो जाएगा मेरे साथ। आई एम एक्साइटेड टू बी, आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर आईफा, द 22nd आईफा। क्या बात है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बढ़िया परफॉर्म करना, जुग जुग जियो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, और अच्छा परफॉर्म करना नहीं तो भेड़िया तुम्हें काट खाएगा। पर उनकी दोनों फिल्में प्रमोट हो गई, जोरदार तालियां, तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, घबराओ नहीं था। ऑलराइट वरुण, तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कोई प्रोड्यूसर्स कॉल कर रहे हैं तो तुम कुछ और निकल रहा है एक्साइटमेंट से? नहीं, मैं जेन्युइनली इतना एक्साइटेड हूं कि एक्चुअली मैं रेम्यूनरेशन में पैसे नहीं, मैं खजूर मांगता हूं उनसे। आई एम सो रेडी फॉर अबू धाबी, यला हबीबी। क्या कैमल का जोक मारा है, जोरदार तालियां फॉर वरुण। यस, ये तो है वरुण धवन, लेकिन वरुण इज ऑल एक्साइटेड। लेकिन एक और है जो अब आईफा में डेब्यू करने वाली है, पहली बार परफॉर्म करने वाली है, इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी अभी, और इन्होंने परफॉर्मेंस अपने कमाल के दिए हैं, आप सबने देखा है, चाहे वो काली पीली हो, चाहे वो गहराइयां हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कौन है आप जान चुके हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं बुलाऊंगा, हैव अ लुक। ऑलराइट, अनन्या पांडे, लेडीज एंड जेंटलमैन इन द हाउस। पहली बार अनन्या आईफा में परफॉर्म करने वाली हूँ, नर्वस हो या ज्यादा एक्साइटेड हो? ये जोक था कि मेरा ये भी नहीं था। नहीं नहीं, ये मेरा स्टाइल था एक्चुअली। हम ग्लिचेस को स्टाइल बना लेते हैं। नहीं, ये मेरी पहली परफॉर्मेंस है स्टेज पर और मैं बहुत बहुत नर्वस हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है। एंड वरुण ने कहा कि मैं एक्साइटेड नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। पर अनन्या, एक ही बस प्रॉब्लम है, यू नो आप अनन्या पांडे,
यू नो पांडे कम्युनिटी जो है वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज है. क्यों? उन्होंने कहा पांडे कम्युनिटी के हैं और आपने दुबे कम्युनिटी के लिए गाना बना दिया. दिस इज नॉट फेयर. मैंने कहा बनाया ना आपने दुबे. हाँ दुबे गहराई पिक्चर का जो गाना है वो हो गया. नेवर माइंड. अगर आप हंसेंगे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक बार जोरदार तालियां. थैंक यू. ऑलराइट. सो देखिए वरुण जो है पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं. वरुण कोई एक टिप देना चाहोगे अनन्या को? टिप यही है कि कम बोलो ज्यादा हंसो ताली मारो तो टीवी पे फुटेज मिलेगा. और सेव योर एनर्जी फॉर द स्टेज. तो अभी इधर वेस्ट नहीं करते. एंड आई थिंक लेट्स कॉल द मैन दैट द एंटायर मीडिया द एंटायर नेशन इज वेटिंग फॉर. एब्सोल्युटली. देखिए वो कौन है. अरे क्या बात है सीटियां पहले बज रही है. बिल्कुल लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें द वन एंड ओनली द सुपरस्टार द रॉकस्टार सुल्तान ऑफ बॉलीवुड. लेडीज एंड जेंटलमैन जोरदार तालियां फॉर सलमान खान. अब आप मुझसे पूछोगे कि कितना एक्साइटेड हूँ तो उसके पहले ही कह देता हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. माइक भी नीचे रख दूँ क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ. आज मुझे किसी का फ़ोन आया. बड़ी सेक्सी आँखें हैं, अच्छे चश्मे पहनती हैं, यहाँ पर एक दिल है, बॉब कट है उनका. और उन्होंने मुझे फ़ोन किया. भारत की रहने वाली हैं, उनका नाम भारती है. और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि कहाँ है तू, पूरी दुनिया तेरा इंतज़ार कर रही है, यहीं पे कहीं पे बैठी होगी भारती. किधर है भारती?